हेलो जी, सत श्री अकाल। की हाल चाल? तो आप सभी को पास्ते वाला वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में हम लोग कर रहे हैं पास्ते का ब्रेकफास्ट। और ये तो होता है ना कि फ्रेंड रोज़ कुछ अलग अलग खाते हैं, तो आज सोचा कि चलो कुछ आज अलग खाते हैं, तो सोचा कि आज पास्ते का ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पास्ता बना रही हूँ मैं। और मैंने पास्ता कई लोग होते हैं, मतलब कई जो पास्ते होते हैं सूखा सूखा, तो मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फ्रेंड, क्योंकि थोड़ा ग्रेवी वाला और थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा ग्रेवी नहीं, थोड़ा सा, मतलब जैसा आप देख रहे हैं ऐसा अच्छा लगता है पास्ता। तो मैंने सोचा कि चलो आज पास्ते का ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और सुबह के फ्रेंड 10 बज चुके हैं, तो यहाँ पे मेरा नहाना धोना सब कंप्लीट हो गया है और पास्ता भी मैंने मतलब बना लिया है और ब्रेकफास्ट भी हो गया है हमारा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना यमी पास्ता बना है। और यहाँ पे मैंने प्लेट में डाल भी लिया है पास्ता, और मैं साथ में ले रही हूँ 2 चम्मच, क्योंकि दोनों ही चम्मच खाने के लिए काम आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पास्ता कितना यमी लग रहा है देखने में। और फ्रेंड्स, आप भी अगर खा के देखते तो बहुत यमी था। तो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरे को 2 टाइम चाय ज़रूर चाहिए। सुबह और शाम को 2 टाइम मैं चाय पीती हूँ। और चाय पीने के बाद ऐसा होता है कि सुबह चाय नहीं पीते, शाम को चाय नहीं पीते, तो फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि हमने आज कुछ पिया नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। और देख सकते हैं चाय उबल चुकी है। तो फ्रेंड्स, कच्ची चाय पीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चाय को जितना उबालो उतनी अच्छी चाय बनती है। तो शाम हो चुकी है, यहाँ पर प्याज टमाटर मिर्ची देखो कट रहे हैं। और ये होता है ना, कोई भी सब्जी हो तो किसी भी सब्जी में प्याज टमाटर मिर्ची तो डलती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं प्याज टमाटर मिर्ची ही काटती हूँ, उसके बाद मैं सब्जी डिसाइड करती हूँ। वाली हूँ बेसन गट्टे की सब्जी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसन गट्टे उबल चुके हैं, और इनका पानी कई होता है ना, कई फ्रेंड्स की इसका पानी ना कई लोग फेंक देते हैं, तो फ्रेंड्स मैं पानी नहीं फेंकती हूँ। तो कटने के बाद मैंने यहाँ पे ढक के रख दिया है। इसके बाद मैं लहसुन वगैरह कूट रही हूँ और यहाँ पे मसाला तैयार कर रही हूँ अच्छे से, और अच्छे से मसाले को पका लूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक मसाला अच्छे से नहीं पकेगा तब तक कोई भी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसको मसाले को 15 से 20 मिनट अच्छे से पकाती हूँ। जब तक मसाले का तेल ऊपर नहीं आ जाता है तब तक फ्रेंड्स समझ जाइए कि मसाला नहीं पका है। तो जब तक तेल नहीं आएगा तब तक मैं मसाले को पकाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया है, और इसके बाद मैं इसको और पकाऊँगी। इसको पकाने सब्जी बन गई है, और यहाँ पे मैं फुलके बना रही हूँ, और पंजाबी में रोटी को फुलके बोलते हैं। तो खाना पीना कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैंने भाई से प्याज वगैरह और सब्ज़ी वगैरह मंगवाई थी, तो छोटे प्याज भी मंगाए थे। मैंने सोचा कि छोटे प्याज का अचार वगैरह डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।